अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का आप सभी बहनों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल महाकाली से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बना के रखे, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा बात रहे, सदा हंसता खेलता रहे और आपके बच्चे की पढ़ाई को तरक्की करें। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्रीनाथी राम वाल्मीकि की जय। आज मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आप सब भाइयों के लिए हनुमान बाबा जी का स्वारी मंत्र लेकर आया हूँ। जिस किसी मेरे भाई को या जिस किसी मेरी बहन को हनुमान जी की स्वारी अगर अपने शरीर पर लेनी है तो इस मंत्र के जरिए अपनी स्वारी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 11 मंगलवार हनुमान जी के व्रत करने पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, हर एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना भी हो सके मांस मदिरा वाले से दूर रहे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले से दूर रहे, साफ सुथरे रहे, बिल्कुल पवित्र रहे। अगर जो बाहर भी बाहर जाएगा, अगर आपको कोई काम करना है, आपको कोई रोजाना जो भी आपका काम है, बिजनेस है, कारोबार है, अगर वो करना है तो वही कपड़े आप उस कमरे में देखे जाओ जिस कमरे में आपने पूजा पाठ करती है, उस कमरे में आपके सिवा दूसरा कोई ना जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। एकांत कमरा हो, बिल्कुल एकांत, उस कमरे के अंदर हनुमान जी की अपने फोटो रखनी है, एक बेजोड़ के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर और हनुमान जी की फोटो करके देसी घी का चिराग लगाएं, 5 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान, 5 गुलाब के लाल फूल ये रखें और 1 मीठा पान जरूर रखना, जान याद रखना। उससे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, 11 बूंदी के मोतीचूर के लड्डू, 1 मीठा पान, हनुमान जी का सिंदूर, हनुमान जी का चमेली का तेल, ये हनुमान जी को अर्पित करें, ठीक है। और हलवा देसी घी का सूजी का लड्डू बनाए साथ में, ये आपको हनुमान जी के मंदिर में चला करना है। लेकिन इस साधना को, इस मंत्र को बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाजत से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें। अगर आप इस साधना, इस मंत्र को बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, इस मंदिर को जिम्मेवारी जो मैं पहले कर रहा हूँ। साधना कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, यंत्र कोई भी हो, गुरु बनाकर ही करना चाहिए हमेशा। अगर बिना गुरु के करते हो तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, बिना गुरु की कभी कोई चीज़ नहीं छेड़नी चाहिए, ठीक है। अब हर मंगलवार को मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप मेरे ऑफिस में से बता सकते हो, हर मंगलवार को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा बता सकते हो समस्या। अभी मैंने व्हाट्सएप पे कहीं ऑफिस में वीडियो कॉलिंग बात करी है, आप भी व्हाट्सएप से मैसेज जुड़ के अपनी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक का टाइम है, ठीक है दोस्तों। अब आप मंत्र सुने, फिर मैं आपको इसका बोल भी सुना दूंगा। ओम गुरु जी हनुमान वीर जागो 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 रे जागो, हनुमान वीर हाथ में सुखा मुख में लड्डू पान का बीड़ा, आओ आओ बाबा हनुमान हमारा काम सवार अमुक के ऊपर अमुक पर सवारी चढ़ाओ, हर जगह अपना डांडा बजाओ, लड्डू लौंग पतासा मीठा पान ले अपने हाजरी, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर खड़ा, ना हाजिर खड़ा तो माता अंजन लगा मांझना, अंजनी माता की दुहाई, सीता माता की दुहाई, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा आदे तू बाबा हनुमान तेरे शब्द कलाम का तमाशा, सत्य का नाम आदेश गुरुओं का आदेश 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 आदेश, मंत्र एक बार और सुन ले। ओम गुरु जी हनुमान वीर जागो 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 रे जागो, हनुमान वीर हाथ में छोटा मुख में लड्डू पान का बीड़ा, आ आओ बाबा हनुमान हमारा काम सवार अमुक के पर सवारी चढ़ाओ, हर जगह अपना डांडा बजाओ, लड्डू लौंग पतासा पान बीड़ा, अपना जहाँ जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर खड़ा, ना हाजिर खड़ा तो माता अंजनी की दुहाई, सीता माता की दुहाई, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा देखो बाबा हनुमान तेरे शब्द कलाम का तमाशा, सत्य का नाम आदेश गुरुओं का आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र को करने के लिए लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल ही आसन होना चाहिए, लाल हकीक की माला या लाल मुंगे की माला भी चलेगी, ठीक है। और जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। और एक समय भोजन करना है, एक ही समय बांधना अपने भोजन का, एक समय होना चाहिए, दूसरा कोई समय ना हो, ठीक है। अगर आप मान लो इनकी संपूर्ण रूप से सिद्धि लेना चाहते हो, संपूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास गुरु होना चाहिए, अगर गुरु हो तभी करें, अगर बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, का देखा है कि साधना मंत्र तंत्र यंत्र कोई भी हो गुरु के द्वारा ही अच्छे रखते हैं, अगर आपके सिर के ऊपर गुरु का हाथ होगा तभी करें, अगर गुरु ना हो तो ना करें, ठीक है दोस्तों। हर शनिवार को हरियाणा के गाँव में गुरु दीक्षा दी जाती है, अगर मेरे किसी भाई को या मेरी किसी बहन को गुरु दीक्षा देनी है तो हर शनिवार को हरियाणा के गाँव पहुँचे, गुरु
रिक्शा लिया, हमारे को रिक्शा का 500 रुपया हमारे को शुल्क है, 5% छोड़ूंगा और 100 रुपये में लेके आएंगे। अगर आपके किसी भी घर में किसी को चीज़ भेज दिया जाए या फिर मान लो कोई तंत्र विद्या की है तो हम उससे मिलकर अपने तंत्र विद्या का घर बता सकते हैं। खर्चा कोई पैसा नहीं, जो आपको भेज करता आएगा वो आपको देना पड़ेगा, हमारा उसको कोई खर्चा कोई पैसा मत दीजिए। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते आप हमें घर में बुला सकते हो, आपको सिर्फ हमारा गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा जो किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।